एक ऐसा गांव जहां लोग बिना कपड़ों के रहते हैं। इस गांव के हर घर के चौखट पर कब्र है, कभी खाट पर नहीं सोते हैं। भारत का लव आइलैंड जहां लड़के लड़कियां कुछ दिनों तक अकेले में रहते हैं। भारत का एक ऐसा गांव जहां महिलाएं 5 दिन बिना कपड़ों के रहती हैं। इस तरह के मजेदार फैक्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का पूरा जरूर देखें। दोस्तों, एक ऐसा गांव जहां लोग बिना कपड़ों के रहते हैं और वहां जाने वाले लोगों पे भी ये नियम लागू होता है। इस गांव में कोई भी कपड़े नहीं पहनता। इस गांव का नाम क्लिपलेटेज है। इस गांव का साल 1929 में स्टूल रिचर्डसन ने खोजा था। आपने कोई ऐसा गाँव देखा है जहाँ हर घर चौखट पर कब्र हो? आंध्र प्रदेश का एक गाँव है, कुछ लोग गाँव को हाईकोटा भी कहकर बुलाते हैं। यहाँ मालादासरी समुदाय के करीब 200 परिवार रहते हैं। यहाँ कोई कब्रिस्तान नहीं है, जिस कारण लोग अपने सगे संबंधियों की मौत के बाद उनके शव को घर के सामने ही दफन करते हैं। दहेज में खाट नहीं मिली तो ग्रामीणों ने तय किया कि अब से वो खाट पे नहीं सोएंगे। दोस्तों, अगर अब तक के वीडियो में आपको मजा आया है तो चैनल पे छोटा सा प्यारा सा एक कमेंट कीजिए, आप कभी खाट पे सोए हैं कि नहीं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ का बस्तर और अन्य इलाकों में माड़िया जनजाति का समाज का परंपरा है। इस परंपरा को घोटलू कहा जाता है। इस परंपरा के गांव से बाहर घोटलू का निर्माण किया जाता है। घोटलू चारों तरफ से घिरा एक बड़ा आंगन वाला घर होता है। इसमें एक खास मौके पर गांव के 3 एज लड़के और लड़कियां जाती हैं और वहां कुछ दिनों के लिए तक रहते हैं। यहीं पर लड़के लड़कियां एक दूसरे को जानने समझने की कोशिश करती हैं, एक दूसरे के साथ समय बिताती हैं। कुछ दिनों के बाद लड़के और लड़कियां अपने जीवन साथी चुनते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ दूर दराज की जनजातियों में ही नहीं बल्कि हमारे देश में भी इस तरह की परंपराएं पाई जाती हैं जो महिलाओं के अस्तित्व को चोट पहुंचाती है। हमारे देश का एक ऐसा गांव जहां महिलाओं 5 दिन तक बिना कपड़ों के रहती हैं, ऐसा ही परंपरा हिमाचल प्रदेश के स्थित मणिकर्ण घाटी के सदियों से चली आ रही है। पीनी गांव में रहने वाले महिलाओं को साल में 5 दिन के लिए तक निर्वस्त्र यानी बिना कपड़ों के रहना पड़ता है। परंपरा सावन के महीने में निभाई जाती है। हालांकि इन 5 दिनों में महिलाओं को पुरुषों के सामने नहीं आना होता है और घर के अंदर ही बंद रहती हैं और हंसती भी नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये फैक्ट पसंद आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा और औरतों का सम्मान कीजिए। दोस्तों, इस तरह की परंपरा अगर आपके गांव में भी होती है तो उसका विरोध कीजिए। जय हिंद दोस्तों।